ये ऑक्सीमीटर खरीदे गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जैसी महामारी की मुसीबत के बीच उत्तर प्रदेश में अब कोविड किट घोटाला हो गया है। जब 45 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो गए हैं, 76,000 से ज्यादा मौत के मुंह में समा गए और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, करोड़ों के काम बंद हो गए। इस बीमारी के घर घर सर्वे के लिए सरकार ने कोरोना के सर्वे के लिए 2 पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने के आदेश दिए। उसे जिलों में तय कीमत से 5-5 गुना ज्यादा दाम पर खरीद लिया गया। ग्राम पंचायतों में कोरोना किट की खरीद करके घर घर जाकर लोगों की जांच का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसके लिए कोरोना किट में पल्स ऑक्सीमीटर और IR थर्मामीटर की कीमत 2800 रुपए निर्धारित की गई। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना किट की खरीद में बड़ी धांधली देखने को मिली है। ग्राम पंचायतों में ये किट 8000 रुपए में खरीदी गई, जिसकी भुगतान भी कर दिया गया। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में कुल 1166 ग्राम पंचायतें हैं और सभी ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर ग्राम प्रधान के द्वारा खरीदकर क्षेत्र के ANM और आशा बहुओं को दी जानी है। जिले की 100 ग्राम पंचायतों में कोरोना किट खरीद का भुगतान किया जा चुका है, जो कि निर्धारित मूल्य 2800 से बढ़कर 8000 पार कर दिया है, जिसका खुलासा ADO पंचायत की जाँच में हुआ है। बता दें पूरे प्रदेश में कोरोना किट खरीद की धांधली से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं बाराबंकी में कोरोना किट खरीद में हुई धांधली को लेकर जिम्मेदार अधिकारी भुगतान को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बाराबंकी के जिला पंचायती राज अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि कोरोना किट की कीमत 2800 रुपए ही है और वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही खरीदी गई है। अब तक 92 ग्राम पंचायतों में भुगतान किया गया, बाकी का भुगतान नहीं किया गया है। 1166 ग्राम पंचायतें हैं, थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर इसका क्रय ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया गया है और 2800 रुपये में किया गया है। कितनी ग्राम पंचायतें हैं और अभी तक कितना भुगतान हुआ है इसका? अभी केवल 92 ग्राम पंचायतों में भुगतान हुआ है और कहीं अभी भुगतान नहीं है। कुल जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 1166। तो वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BKS चौहान ने जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि मैं CMO यहाँ 1 सितंबर को ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे समय तो कोई खरीदी नहीं हुई। मेरे पूर्ववर्ती जहाँ तक मैंने ऑफिस से पता किया, उनके द्वारा भी कोई खरीद नहीं की गई। मेरे लिए ये सर्विलांस कोरोना किट जो ग्रामीण क्षेत्रों में DPRO एवं शहरी क्षेत्रों में EO नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराया गया है और हमारे द्वारा केवल इसका प्रयोग हो रहा है, हमारा इसकी खरीद से कोई लेना देना नहीं। फिलहाल ग्राम पंचायतों में कोरोना किट की खरीद में हुई धांधली को लेकर कोई भी अधिकारी खुलकर कुछ भी बताने से कतराता नजर आ रहा है। तो वही प्रदेश के मुखिया CM योगी ने पूरे मामले में SIT जाँच के आदेश दे दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 2800 की कोरोना किट 8000 में क्यों खरीदी गई। उन्नाव में भी कोविड किट खरीदने में बड़ा खेल सामने आया। अधिकतम 2800 रुपए में खरीदी जाने वाली किट को 4000 रुपए से लेकर